जहाँ जहाँ माँ वहाँ वहाँ आराध्या। फिर बेटी के कारण ट्रोल हुई ऐश्वर्या। अवार्ड शो में हर वक्त माँ से चिपकी रही आराध्या। बार बार माँ ऐश्वर्या का हाथ पकड़ती दिखी। ऐश्वर्या राय को हमेशा ही एक पजेसिव मदर का टैग मिला। चाहे वो एयरपोर्ट हो, वेडिंग फंक्शन हो या फिर कोई और इवेंट, ऐश्वर्या हमेशा अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहती हैं। लेकिन इस बार दुबई में हुए सीमा अवार्ड्स में उल्टा दिखा। इवेंट में आराध्या लगातार अपनी मम्मी का हाथ पकड़े दिखी। एक बार भी वो अपनी मम्मी को छोड़ नहीं रही थी, जिसके बाद से लोगों ने इसे लेकर कमेंटबाजी की और कहा हमेशा इतना चिपकने की जरूरत नहीं होती। इस अवार्ड शो में देखा गया कि आराध्या एक पल भी अपनी माँ के बगैर नहीं रह पा रही थी। ऐश्वर्या जब अवार्ड लेकर नीचे आई, तब भी वो दौड़कर अपनी माँ के गले लगी। उस दौरान वो अपनी माँ की तस्वीरें भी खींचती दिखी। माँ ऐश्वर्या को अवार्ड मिला तो उसके बाद वो तालियां बजाती भी दिखी। जब जब उनकी माँ उनके साथ बैठी, आराध्या अपनी माँ का हाथ पकड़े रही। ऐसे लग रहा था कहीं उनकी माँ उन्हें छोड़कर ना चली जाए। आराध्या का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद लोगों ने भी तरह तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, ये इतना चिपकू चिपकू होने की जरूरत नहीं। एक और नेटिजन का कमेंट आया, ये स्कूल नहीं जाती क्या। इसी बीच एक और शख्स ने लिखा, आराध्या को कभी भी अन्य दोस्तों के साथ नहीं देखा, वो हमेशा अपनी माँ के साथ सभी XYZ कार्यक्रमों में देखी जाती है। क्या उसकी अपनी लाइफ नहीं है, पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है। ये बात सच है कि ऐश्वर्या कहीं भी जाए, चाहे वो किसी फिल्म की शूटिंग हो या कान फिल्म फेस्टिवल, आराध्या हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहती है। जाहिर है इससे आराध्या के स्कूल का भी नुकसान होता ही होगा। ये बात अलग है कि वो ये कहे कि वो अपनी पढ़ाई अपनी माँ के साथ कर लेती हैं, लेकिन हमेशा उनको देखा गया है कि वो अपने माँ के शूटिंग प्लेस हो या फिर अवार्ड शो हो या फिर कोई फैशन शो हो, वहाँ आराध्या अपनी माँ के साथ रहती हैं। ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या के बगैर आराध्या रह ही नहीं पाती। वहीं इस इवेंट की बात करें तो ऐश्वर्या का लुक काफी रिफ्रेशिंग लग रहा था। माँ बेटी दोनों ही मेटालिक कलर के ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी। आराध्या को देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ 13 साल की बच्ची है। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो एक यंग खूबसूरत हसीना हो। लेकिन इन सब के बीच भी सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का इस बात पे गया कि कैसे आराध्या अपनी माँ से इतनी चिपक रही हैं। ये देखा गया है कि कभी भी उन्हें अपने पापा या फिर बच्चन परिवार के दूसरे सदस्यों से इतना घुलते मिलते नहीं देखा गया है। शायद यही वजह है कि 50 साल की ऐश्वर्या पर हमेशा ओवर पजेसिव मम्मी का टैग लगा रहा। वो हमेशा अपनी बेटी आराध्या का हाथ पकड़कर ऐसे चलती है कि कहीं कोई छीन कर ना ले जाए। पैपराजी के सामने बेटी पर प्यार उड़ेलने में भी पीछे नहीं रहती। आपको बता दें कि जब से ऐश्वर्या माँ बनी, उनकी लाइफ में आराध्या आई, ना तो ऐश्वर्या ने अपने लुक पर ध्यान दिया और ना ही करियर में। उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास है उनकी बेटी आराध्या। आपको बता दें, ये बात उन्होंने बहुत पहले ही कह दी थी जब वो 23 साल की थी कि जब वो माँ बनेंगी तो वो अपने करियर को और बाकी सभी चीज़ों को साइड कर देंगी और वो सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान देंगी। और आज ऐश्वर्या को कुछ ऐसा ही करते देखा जाता है। वो एक पल भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ती। कुछ दिन पहले ही ऐश्वर्या अनंत और राधिका की शादी में पहुंची थी। दोनों दिन वो बच्चन फैमिली से अलग अपनी बेटी आराध्या के साथ वहां गई थी और वहां उन्होंने साफ जता दिया था कि बच्चन फैमिली से ऐश्वर्या और आराध्या अलग हो चुकी हैं। और इस दौरान वो पैपराजी के सामने आराध्या पर खूब प्यार उड़ेलती दिखी थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही स्कूल के बाद आराध्या अपनी माँ संग जलसा पहुंची थी। करीब 7-8 महीने बाद ऐश्वर्या को उनके ससुराल जलसा में देखा गया था। बताया जाता है कि ऐश्वर्या अब अपनी माँ के साथ रहती हैं। उन्होंने अपना ससुराल जलसा 1 साल पहले ही छोड़ दिया था और उनके सास ससुर के साथ इन दिनों बहुत अच्छी रिश्ते नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।